हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिड टर्म एग्जामिनेशन 24। आज हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे बेटा, जिसमें हमारे पास 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो टोटल वेटेज 10 नंबर की है। 21st क्वेश्चन है, चेक वेदर द पॉइंट -43 लाइज ऑन दीज टू इक्वेशंस। -43 को हमें चेक करना है कि इन दोनों इक्वेशंस पर है या नहीं। तो बेटा हम क्या करेंगे, x की जगह -4 रखेंगे, y की जगह 3 रखेंगे और देख लेंगे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, है ना, वन बाय वन। तो सबसे पहले x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो में x की जगह -4 रखा, y की जगह 3। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, -4 प्लस 4 दैट इज़ 0, और इसने भी ऑलरेडी इक्वल टू 0 दे रखा था, दैट मीन्स इसके ऊपर ये सेटिस्फाई करेगा, लाई कर रहा है। अब सेकेंड इक्वेशन चेक करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 1। जब आपने x की जगह -4 रखा, y की जगह 3 रखा, तो इट विल बी -7, जबकि होना क्या चाहिए था 1। दैट मीन्स इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है पॉइंट, इट लाइज ऑन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, बट डजंट लाई ऑन दिस लाइन। इफ पॉइंट Q इस इक्वी डिस्टेंट, हमेशा एक फिगर बना लीजिए बेटा रफ, क्यू हमारा दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि सम दूरस्थ है। दोनों पॉइंट्स कौन से हैं, पी और आर। अब हमें क्या दिया हुआ है, इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, है ना। अब पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, पी के साथ क्यू और आर के साथ भी क्यू। 5 माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, बहुत ध्यान से, इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 होल स्क्वायर। अंडर रूट आपको पता है कट जाता है, तो इट इज़ 5 स्क्वायर, और माइनस 3 माइनस 2 भी क्या बना, माइनस 5 स्क्वायर। और यहाँ पे एक्स माइनस 0 दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर, 7 माइनस 2 इज 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर ईजिली कट गया दोनों जगह। हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। माइनस 5 का जब आप वर्क करेंगे, माइनस नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में आप ये गलती कर देते हैं, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। सो इट इज़ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। अब जब x का अंडर रूट करेंगे, x निकालेंगे, तो हमारे पास दोनों साइन आएंगे प्लस माइनस 5। अब यही हमें चाहिए था, x की वैल्यू पूछी थी ना। इवेल्यूएट 2 cos 60 डिग्री tan 45, वेरी इजी, cos 60 इज 1/2, tan 45 1, आंसर इज 1। चॉइस में इसके साथ एक क्वेश्चन है, 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosecant A। cot A बेटा कितना हो गया, 8/15। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप इजीली समझ जाएंगे कि 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है, तो उधर से आप cosecant A की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अदरवाइज cosecant स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर A, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। तो ये 8² / 15 स्क्वायर हो गया, सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 17/15। 24th क्वेश्चन, शो दैट दिस इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। पहले इसको लिख लेंगे केयरफुली। अब जहाँ बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब ये टर्म इससे अलग है। गुणा और भाग की टर्म हमेशा एक मानी जाती है, ये पूरी टर्म एक है आपके पास। अब ये दो टर्म्स हो गई, एक ये और एक ये। इसको अभी देखो, यहाँ तो सारे प्राइम नंबर है, इसके आगे हम फैक्टर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हम इसके फैक्टर कर सकते हैं ना, इवन नंबर दिख रहा है अभी हमें, तो इसको हमने लिख लिया 19 × 4। अब देखिए, इस ब्रैकेट में से भी 19 और इसमें से भी 19 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचा 17 × 3 यहाँ पर, फिर बीच में जमा का निशान, और यहाँ पे रह गया खाली 4। 17 × 3 क्या हो गया बेटा, 51 + 4, यानी कि 19 × 55, जो कि 55 को अगेन हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं, 5 × 11। दो से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं रहता। अब ये सारा इतना बड़ा नंबर जो इसने दो टर्म्स में दे रखा था, हमने एक बना दिया जिसके 3 फैक्टर हैं, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या नहीं है। 25th क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मिड टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, पहले आप ए बी सी लिख लेंगे, ए 5, बी 3, सी माइनस 2। गुणा करने पे ए सी चाहिए होता है, यानी कि 5 × 2 10 आना चाहिए।
तो 10 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? एक तो 1 और 10 हो सकता है, अभी हम साइन को नहीं देख रहे, और दूसरा फैक्टर 2 और 5 हो सकते हैं, बस यही इसके पेयरिंग बनेंगी। अब मुझे ऐसा फैक्टर इन दोनों में से उठाना है जिसको जमा और घटा करने पे 3 मिल जाए, तो यहाँ तो आपको किसी तरीके से 3 नहीं मिल सकता, तो इसका मतलब फैक्टर मेरे को ये वाले लेने पड़ेंगे। अब ये जब आपने फाइनल कर लिया कि फैक्टर मेरे ये हैं, तो अब इनमें से जो बड़ा है उसके साथ हमेशा आप बी का साइन लगाओगे, बी जमा का है तो बड़ी टर्म भी जमा की रहेगी। अब क्योंकि मुझे 5 में से 2 घटा के 3 चाहिए, तो 2 का साइन क्या हो गया? घटा का। अब हम वापस अपने पॉलिनोमियल पे आ जाएंगे, पहली टर्म एज इट इज़, मिड टर्म को हटा देना है, इसकी जगह हम लिखेंगे 5x घटा 2x, x लगाएंगे इनके साथ, लास्ट टर्म भी ऐसी की ऐसी। अब पहली दोनों का एक पेयर बना देंगे, घटा कॉमन दिख रहा है ना, यहाँ पे अंदर बच गया 2x, क्योंकि घटा ऑलरेडी बाहर निकाल चुके इसलिए यहाँ पे जमा बचा। अब यहाँ पे रह गया 5x कॉमन, x प्लस 5 1, यहाँ पे 2 कॉमन, x प्लस 1, दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, अगर सेम नहीं है दैट मीन्स हमारी मिस्टेक है बेटा। अब ये बन गया x प्लस 1, दूसरी ब्रैकेट में डालेंगे 5x माइनस 2। अब क्योंकि जीरोस निकालने को बोला है तो इनको जीरो के इक्वल रख देंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 1। एक आंसर तो हमारा ये हो गया, एक आंसर हमें यहाँ से मिलेगा 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/5। एक क्वेश्चन चॉइस में इसके साथ, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल विद 0, 6 and -1। बहुपद बनाना है हमें, तो जब भी ऐसे जीरोस दे रखे होते हैं हम सबसे पहले सम निकालते हैं, दोनों को जोड़ लोगे 6 - 1 = 5 रह गया है ना, और प्रोडक्ट भी निकाल लोगे गुणनफल, दोनों को गुणा करेंगे, घटा की टर्म को ब्रैकेट में डालेंगे, घटा 6। अब फॉर्मूला आप लगा देंगे x² - sum (x + product), क्योंकि पॉलिनोमियल पूछा है इसलिए इक्वल टू कुछ नहीं लिखेंगे। अब वैल्यूज रख देनी है, x² - 5x - 6 = कुछ नहीं, x² - 5x - 6, दिस इज़ अवर आंसर। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।